हाय एवरीवन, आज भी हम बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर 65। पनीर 65 एक तरीके का स्टार्टर होता है। ये पनीर से बनता है और ये बहुत ही यमी और टेस्टी बनता है। पनीर 65 बनाना बहुत आसान होता है। ये घर पे बहुत झटपट बन जाने वाली डिश है। इसमें हमें बाहर से कोई भी ज़्यादा एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स लेने की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए, इसको देखते ही मुंह में पानी आ गया है। ये बहुत ही यम्मी डिश बनी है। आइए देखते हैं पनीर 65 बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की नीड है। पहले हम एक बड़ा बर्तन लेंगे, उसमें हम पनीर के टुकड़े डालेंगे। अब हम इसमें दो करी पत्ते काटकर डाल देंगे। एक छोटी चम्मच कद्दूकस करी हुई अदरक डालेंगे। एक छोटी चम्मच कद्दूकस किया हुआ लहसुन डालेंगे। आधा छोटी चम्मच कद्दूकस करी हुई हरी मिर्ची डालेंगे। एक छोटी चम्मच या स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिला लेंगे। एक बड़ा चम्मच नींबू का रस डालेंगे। एक छोटी चम्मच दही डालेंगे। अब इसमें दो बड़े चम्मच मैदा डालेंगे। हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते चले जाएंगे और मैदे और सारी जो सामग्री है उनको मिलाते हुए एक अच्छा सा घोल बनाएंगे और पूरे घोल को पनीर के ऊपर अच्छे से चिपका देंगे। एक तरीके की एक लेयर बन जाएगी। ये देखिए, पनीर पर सारा मसाले वाला जो मैदा है वो अच्छे से कोट हो गया है। अब हम चलते हैं तलने की प्रोसेस में। एक पैन में हम तेल गरम करेंगे और उसमें धीरे धीरे करते हुए सारे पनीर के टुकड़े डालेंगे। हम पनीर को 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। एक तरफ से पनीर अच्छे से पक गया है, अब हम उसे पलटते हुए दूसरी तरफ पकाएंगे। पनीर अच्छे से पक गया है, अब हम ध्यान से पनीर को तेल में से निकाल लेंगे। अब हम इसका तड़का बनाएंगे। तड़का बनाने के लिए हम एक पैन गरम करेंगे और उसमें 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 4 करी पत्ते। अब हम इसमें डालेंगे 2 सूखी लाल मिर्च। अब हम इसमें 2 कटे हुए लहसुन के टुकड़े डालेंगे। इसे चलाते हुए 1 मिनट के लिए पकाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा कटा हुआ प्याज। प्याज को हमने लंबे लंबे पीसेस में काटा हुआ है। प्याज को हम 2 मिनट तक भूनेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट, 1/3 कप कटी हुई शिमला मिर्ची, 1 कटी हुई हरी मिर्ची। इसे हम अच्छे से मिलाएंगे और 5 मिनट तक पकाएंगे। अब हम आधा छोटी चम्मच नमक डालेंगे, या आप स्वाद अनुसार नमक भी डाल सकते हैं। बट आप ये ध्यान रखिएगा कि आपने पनीर के पकौड़ों में भी नमक डाल रखा है तो आप उस हिसाब से ही डालिएगा कि नमक तेज ना हो जाए।
अब हम आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, एक छोटी चम्मच ग्रीन चिली सॉस डालेंगे, दो छोटी चम्मच टमाटो केचप डालेंगे। इसे हम अच्छे से मिलाएंगे। अब हम आधा कप दही के अंदर दो चुटकी फूड कलर डाल के अच्छे से मिला लेंगे। अब हम फूड कलर और दही के मिश्रण को तड़के में डालेंगे। इसे हम अच्छे से मिलाएंगे और हमारा तड़का रेडी हो जाएगा। अब हमारे पनीर के पकौड़ों को हम इस तड़के में डालेंगे। इसे हम अच्छे से मिलाएंगे ताकि तड़के का फ्लेवर पनीर के अंदर आ जाए। गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। देखिए हमारा गर्मा गर्म पनीर 65 रेडी है। आइए इसकी प्लेटिंग करते हैं। ये पनीर 65 बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बना है, बहुत ही फ्लेवरफुल बना है और इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप इस पनीर 65 की इजी रेसिपी को अपने घर पर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।